अयोध्या थी सीधा दृश्य हमें आपने बता भी रहा है, योगी आदित्यनाथ बोली रहा है अत्यारे। सभी पूज्य संत चरण से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, न्यास के सभी न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरिजी महाराज, पूज्य स्वामी युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 2.5 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती हुई एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय
किस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सदे अशोक सिंगल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। अन्य समाचार